हमने जो कोल्हापुर और सांगली में जो बाढ़ आई है उसके लिए हम एक महीने का ऐच्छिक तरीके से जिसको देना है ऑफिसर और जो मेरे कर्मचारी है उनके लिए हम एक महीने का वेतन देने वाले हैं। नहीं, कुछ लोगों ने दिया है पेमेंट, तो ये इकट्ठा करके हम वो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे उस तरह से हम देंगे। हाँ, ये आई चीज है। ये आप गणेश उत्सव और दही हांडी आप सबको पता है, तो इस गणेश उत्सव और दही हांडी में एक अच्छे तरीके से अपने मीरा भाईंदर जो एरिया है इसमें और पूरे ठाणे ग्रामीण में एक अच्छी तरह से हमने पूरा बंदोबस्त रखा है। आज के हालात देखते हुए जहाँ टेररिस्ट का कुछ वहाँ पे कुछ इनपुट्स है तो इसलिए हम लोग भी उस तरीके से अलर्ट है। एक अच्छी तरह से ट्रैफिक का भी हम वहाँ पे इंतज़ाम करेंगे, बंदोबस्त अच्छी तरह से रहेगा, पेट्रोलिंग रहेगा और हम सब लोग अलर्ट रहेंगे। सर, मीरा भाईंदर क्षेत्र में उत्तम शांति पुलिस स्टेशन है, कई महीने से बनकर तैयार है, क्यों उसका उद्घाटन नहीं हुआ? बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे। थोड़ी सी एक वहाँ पे थोड़ा सा काम वहाँ पे है, ज़्यादा काम नहीं है, एक माइनर वर्क्स कुछ है, तो ज़्यादा से जल्दी हम उसको शुरू करेंगे। मैंने वही बताया कि अब जो बाढ़ग्रस्त जो अपने भाई है सांगली और कोल्हापुर में, तो इनके लिए हम कुछ करेंगे, तो मैं बहुत सारे मंडल को हमने आह्वान किया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उस पर लोग हमें प्रतिसाद देंगे और एक अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ से पुलिस की और मंडलों के जो सदस्य हैं मंडल के जो पैसे रहेंगे उस महापालिकेच्या वतीने आजच्या शांतता कमिटीमध्ये जे जे नागरिकांनी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत स्वच्छतेच्या बाबतीत, पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत, दिवाबत्ती आणि रस्त्याच्या बाबतीत, ते निश्चितच आम्ही पूर्ण अपडेशन करून नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सेवा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्या पुरवत आहोत। नुकताच कोल्हापूर आणि सांगली सातारा या एरियामध्ये जो भीषण अतिवृष्टी झाली त्यासाठी आपल्याला माहितीच आहे की आम्ही महापालिकेच्या वतीने 1 करोड रुपये 1 कोटी रुपये आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 1 कोटी रुपये असे 2 कोटी आणि नगरसेवकांचं 1 महिन्याचं मानधन या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे माननीय आमदार, महापौर, उपमहापौर आणि आमचे पदाधिकारी आणि मी आणि ॲडिशनल कमिशनर यांच्या वतीनं आम्ही ते धनादेश सुपूर्द केलेले आहेत। या उपरी अजून आमच्या चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचा 1 दिवसाचा पगार जो काही होईल तोही बी आम्ही RTGSच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या सहाय्यता निधीला पाठव। या ठिकाणी शहरामध्ये जे भाई अमन, शांती, भाईचारा आणि उत्सव पिरियडमध्ये अत्यावश्यक सर्व बाबी आम्ही प्रकर्षाने पोलीस प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन, आमचे पदाधिकारी, सर्व लोकप्रतिनिधी, नेते यांच्या माध्यमातून या शहराची शांतता, अमन आणि उत्सव प्रिय वातावरण निर्माण करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत। मैं पुलिस अधीक्षक हमारे SP राठौड़ साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ, साथ ही साथ हमारे मेयर मैडम और कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, डिप्टी मेयर साहब का भी इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत चीज़ों को हम अगर समय के पहले रख सके तो उसका निवारण अच्छे से हो सकता है, जो चीज़ नहीं हो सकती है उसकी जानकारी पहले मिले तो हम उसको टाल सकते हैं। नहीं तो बहुत बार गणेश उत्सव मंडल एक कदम आगे जा चुका होता है और फिर कायदे की अड़चनी में आता है जहाँ प्रशासन महापालिका मदद नहीं कर पाती है, लेकिन ये सभी जितने गणेश उत्सव मंडल हैं सभी उत्साह के साथ काम करते, किसी कायदे का वॉयलेशन के लिए नहीं करते, लेकिन जानकारी के अभाव के बहुत बार रह जाता है। लेकिन इस बार भी SP साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब, मेयर मैडम ने सब जानकारी दी कि महापालिका की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। SP साहब ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हम जितना मदद कर सकते हैं करेंगे, जो नहीं कर सकते कायदे के वो हम नहीं कर पाएंगे, तो आप भी उसके अंदर सहयोग करें। और मुझे पूरा विश्वास है जितने गणेश मंडल, बाकी अलग अलग समुदाय के मंडल यहाँ पे उपस्थित थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हर साल जिस मीरा भाईंदर में सभी त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बड़े ही आराधक तरह से मनाया जाता है और इस बार भी वैसा ही होगा। हम सब मिलके, चाहे लोक प्रतिनिधि हो, पुलिस प्रशासन हो, महापालिका हो या इस शहर की जनता हो, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।